प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी है, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले एक दो होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों ले? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? चहुंमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड 19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। संविधान दिवस के मौके पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, कहा भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संविधान से मिली एक अलग पहचान। रुद्रपुर में सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा, जिला पंचायत अध्यक्षों को मिलेंगे राज्य मंत्री का दर्जा, ग्राम प्रधानों को मिलेगी 10,000 की प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड में फिर मंडरा रहा कोरोना का खतरा, कोरोना संक्रमित मिलने के बाद देहरादून में 2 क्षेत्रों को किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, लगाया गया लॉकडाउन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान बनाने में भारतीय संविधान की विशेष भूमिका है। सीएम धामी ने कहा कि हमें अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ ही देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी तत्परता के साथ करना चाहिए।
वहीं संविधान दिवस के मौके पर विधानसभा में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली गई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि हम अपने संविधान को, अपने कर्तव्य को और अपने अधिकारों को ठीक से समझ सके। आज के दिन भारत का संविधान बना और आज भारत का जो संविधान है और भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज दुनिया के बहुत सारे देश बहुत सारे क्षेत्रों में आगे निकले हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति की है, नए आयाम छुए हैं। लेकिन भारत की जो विशेषता है, भारत की विशेषता है भारत के संविधान में निहित है। सभी को जिस प्रकार से लोकतांत्रिक अधिकार है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, वह आज दुनिया के बहुत सारे देशों में नहीं है। आप जानते हैं लगातार मेरे इस लोकतंत्र के मंदिर और संविधान के मंदिर 26 विधानसभा में इसी 26 नवंबर को हम अभी अनेकों वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाते आए हैं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे बीच में आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और जिस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, तो आज हमने शपथ ली है किस प्रकार से हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें, किस प्रकार से संवैधानिक कर्तव्यों का हम पालन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज रुद्रपुर के गांधी पार्क में लोक योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने ग्राम प्रधानों द्वारा कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने, कोविड-19 के दौरान जो मुकदमे किए गए थे उनको वापस लेने, इसके साथ ही बाटा चौक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों को पहले की तरह ही राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायतों को लगातार सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका जो मानदेय है उसको एक सम्मान के साथ जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत है वो पंचायतें मजबूत हों, क्योंकि वो हमारे विकास का मुख्य आधार होते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से इनके लिए अधिक मैं इस पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में मैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से समस्त प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के तहत इनको जनप्रतिनिधि बनाया उस दायित्व को यह लोग ईमानदारी से 100% इनका कार्यकाल सफल हो, मैं शुभकामना देता हूं। और यह नेता आज छोटी इकाई के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं, कल भगवान इनको विधायक बनाए, सांसद बनाए, मंत्री बनाए, इनको मुख्यमंत्री बनाए, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रदेश में कोरोना का कहर एक बार फिर से मंडराने लगा है। लंबे समय के बाद देहरादून में फिर से दो क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। सहस्त्र धारा रोड स्थित तिब्बत कॉलोनी में 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र और संक्रमित मरीजों की निगरानी कर रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि जिले में इंदिरा गांधी नेशनल अकेडमी ओल्ड हॉस्टल FRI और सहस्तधारा रोड स्थित तिब्बत कॉलोनी में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दोनों जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 157 हो गई है। कि 5 केसेस फिलहाल आए हैं तिब्बतियन कॉलोनी, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है G2B19 जो डैकलिंग सहस्तधारा रोड कुल्हान में बिल्डिंग है, वहाँ पे 5 केसेस पाए गए हैं। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को भी हम लोग अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग घोषित करेंगे। नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और
प्रदेश सरकार के आह्वान पर हर घर भाजपा घर घर भाजपा के तहत अपना अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अभियान के तहत पत्रक पोस्टर और झंडा वितरण किया है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ता द्वारा आम जनता को बीजेपी की सभी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। आज हर घर 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 भाजपा के अभियान के तहत रुकुट और धूपाली कोठी के जनसंपर्क अभियान में है और इस अभियान के तहत हम जो है इस अभियान के तहत हम मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है केंद्र की व राज्य सरकार की धामी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उन योजनाओं के तहत हम आज विस्तार से जो है सबको बता रहे हैं। कुमाऊं में पुलिस महकमा नशे के खिलाफ अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत को देखते हुए कुमाऊं में नारकोटिक्स स्ट्राइक अभियान चलाया जा रहा है। नैनीताल जिले में पुलिस ने कई जगहों पर रेड भी की, जिसमें 24 घंटे के अंदर 30 ग्राम स्मैक और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने बताया कि एक ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर आम जनता द्वारा ड्रग्स की शिकायत भी की जा सकती है। ये नशे को लेकर जो है लगातार जो है कार्रवाई भी चल रही, शिकायत भी आ रही और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कुमाऊं में जो है चाहे जेलों के माध्यम से हो या और भी जो कई ऐसे युवाओं में भी जो पकड़े जा रहे हैं तो कुछ युवाओं भी उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो इसमें जो है लगातार पुलिस जो है रेड कर रही है सभी जिलों में। कुमाऊं के जो है लगातार जो है अलग अलग नाम से हम अभियान चला रहे हैं। अभी नैनीताल ने जो है नार्को स्ट्राइक अभियान चलाया, जिसमें 24 घंटे के अंदर हमने जो है 30 ग्राम से ज़्यादा की स्मैक पकड़ी है और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन क्रैकडाउन चंपावत में चल रहा है। इसमें जो है एक हमने साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है 9412029536 एक ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर किसी को कुछ शिकायत है और कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो वो इस नंबर पर दे सकता है। और अब बात 22 की बिसात की। मिशन 2022 को लेकर इस बार भाजपा 60 पार का दावा तो कर रही है, लेकिन ये आंकड़ा छूना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि दो दिन तक चली चुनाव संचालन समिति की बैठक में जो दावे भाजपा ने किए हैं उनकी सियासी पटकथा की तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए चुनावी शंखनाद कर चुकी बीजेपी ने इस बार चुनाव में 60 प्लस का नारा दिया है, लेकिन दो दिन तक चली चुनाव संचालन समिति की बैठक का आंकलन करने के बाद बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं दिख रही। इस बात का दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो दिन की इस बैठक में बीजेपी ने अपनी तैयारियों की पटकथा को मीडिया के समक्ष तो रखा, लेकिन ना तैयारियां क्लियर दिखी और ना ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर ही बात बन पाई कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पदाधिकारियों की नाराजगी पर पार्टी के दिग्गज बोलने से कतराते दिखे, वो अलग बात है कि बावजूद इसके बीजेपी का ये नारा नेताओं की जुबान पर बरकरार है कि भाजपा इस बार 60 पार। जो पदाधिकारी है और पार्टी का कार्यकर्ता है, सभी का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मन में रखते हुए हम काम कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भले ही दावा कर लें कि बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन टिकट दावेदारी को लेकर पार्टी के भीतर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि टिकट का फैसला हाईकमान को करना है, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी और नाराजगी खत्म करना भी बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी कमेटियों की तैयारियों का राग अलापते दिखाई दिए। हमारी जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसमें 33 हमारे अलग से उसमें सब कमेटी हमने बनाई है। उन 33 में से 9 की बैठक कल हुई थी, 4 की बैठक अभी हुई है। उन चारों में विशेष रूप से घोषणा पत्र है, विशेष संपर्क अभियान है और एक उसमें जो प्रबंधन का काम है एक वो है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा विशेष संपर्क अभियान है इसमें जो हमारे प्रदेश की टीम है वो इस विशेष संपर्क अभियान की समिति विधानसभाओं तक लेकर जाएंगे। भले ही बीजेपी ग्रास रूट लेवल पर तैयारियों का दावा कर ले, लेकिन भीतर घात मचे घमासान को शांत किए बिना पार्टी कैसे 60 पार का आंकड़ा पार करेगी, ये बात समझ से परे है।
चुनाव प्रबंधन समिति की इतनी बड़ी बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन न होना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या बीजेपी ये चुनाव भी सिर्फ मोदी ब्रांड पर ही लड़ेगी और क्या मोदी फेस का पार्टी को फायदा मिलेगा, ये भी देखना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। चुनावी साल में लगातार हो रही भाजपा की बैठकों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के समय में बैठक करना सभी दलों का अधिकार है, लेकिन इस बार चुनाव में भाजपा को इन बैठकों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। प्रदेश की जनता ने भाजपा को सबक सिखाने का मन बना लिया है। राजनीतिक दलों के लोग प्रदेश में आकर बैठकें कर रहे हैं। चुनाव है, स्वाभाविक है कि सभी राजनीतिक दल उनके नेता प्रदेश में आएंगे। चुनाव के दृष्टिगत वो प्लानिंग बनाने के लिए बैठक कर रहे होंगे, तो बीजेपी के लोग भी इसी रूप में कर रहे होंगे। ये जो आपने कहा कि मोदी जी के आगमन पर वो तैयारी के लिए कर रहे हों, ये हो सकता है कि वो तैयारी के लिए कर रहे हों। भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में न रहे कि अतीत में एक बार जो शब्द जाल बिछा कर यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रदेश के भोले भाले लोगों को ठगने का उन्होंने जाल रचा, वो जाल फिर बुनकर वो चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो अंधेरे में है। वो अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका परिणाम उन्हें चुनाव के बाद सामने मिल जाएगा। उत्तराखंड की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर कई मिथक है जो इन 20 सालों के राजनीतिक दौर में कभी नहीं टूटे हैं। हर दल ने इन चुनावी मिथकों को तोड़ने की पुरजोर कोशिशें की, लेकिन सियासी दल और नेताओं के प्रयासों के बावजूद भी ये मिथक नहीं टूट पाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में अपनी अपनी सेनाएं उतार दी है। जहां एक तरफ सत्ता में वापसी के लिए भाजपा जी जान से जुटी हुई है, तो वहीं सत्ता परिवर्तन के ख्वाब देख रही कांग्रेस भी सत्ता पर काबिज होने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड की राजनीति में कुछ ऐसे मिथक जुड़े हुए हैं जो हर कोशिशों पर पानी फेर देते हैं, और उन्हीं में से एक है शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ मिथक। दरअसल विधानसभा चुनाव में शिक्षा मंत्री को लेकर एक मिथक बरकरार है। माना जाता है कि जो जिस सरकार में शिक्षा मंत्री रहा है वो दोबारा चुनाव नहीं जीता है। बात अगर साल 2000 की करें तो तब भाजपा सरकार में तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्री बने थे, लेकिन राज्य गठन के बाद 2002 में उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2002 में एनडी तिवारी की सरकार में नरेंद्र सिंह भंडारी शिक्षा मंत्री बने और फिर 2007 में गोविंद सिंह बिष्ट और खजानदास शिक्षा मंत्री बने थे, लेकिन दोनों ही 2012 में विधानसभा चुनाव में हार गए, जिसके बाद 2012 में कांग्रेस सत्ता में आई और देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने मंत्री प्रसाद नेथानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो भी 2017 में चुनाव हार गए थे, जिसके बाद 2017 में भाजपा की सरकार आई और फिर शिक्षा मंत्री बने अरविंद पांडे। और राज्य गठन के बाद इन 20 सालों के राजनीतिक ग्राफ को देखा जाए तो इनमें से दोबारा सत्ता में कोई भी शिक्षा मंत्री अपनी वापसी नहीं कर पाया है, जिसे देखकर यही लगता है कि इन मिथकों को तोड़ना मुश्किल है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो ये सिर्फ एक संयोग है। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प ये होगा कि 2022 के चुनाव में वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस मिथक को तोड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि भाजपा हर मिथक को तोड़ने का दावा कर रही है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव का ऐलान तो हुआ नहीं, लेकिन इससे पहले ही बीत चुकी चुनावी बिसात में छोटे बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में उत्तराखंड आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का दौरा चुनावी होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनावी शंखनाद कर चुकी भाजपा के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता खास होने जा रहा है। दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आ सकते हैं। इसके लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है। चुनाव से पहले जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के लिए बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक तरफ भाजपा उत्साहित है तो विपक्षी खेमे में बेचैनियां बढ़ना भी लाजमी है। भाजपा ने 2017 का विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे के बूते लड़कर 70 में से 57 सीटों पर कब्जा कर सत्ता हासिल की। इससे पहले उत्तराखंड की पहचान राजनीतिक तौर पर अस्थिर प्रदेश के रूप में स्थापित हुई थी।
मोदी को ब्रांड बनाकर बीजेपी ने चुनाव की छवि को ही बदल डाला था। इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 पार का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब जब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड आने का कार्यक्रम तय हो रहा है तो बीजेपी को इससे बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी जी की जनसभा पर चर्चा हुई है, 3 या 4 तारीख को जो भी समय फिक्स होगा उसमें जो स्थान होगा या तो कुमाऊं में होगा या देहरादून में होगा। हालांकि इस बार के चुनावी रण में बीजेपी पीएम मोदी के साथ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। बस देखना ये है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने के लिए मोदी ब्रांड का जादू चलता है या फिर युवा सीएम धामी की धमक का असर दिखेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे और जनता से कई वादे किए थे, लेकिन अब जब फिर से उत्तराखंड का दौरा करने के लिए आ रहे हैं तो वो बताए कि उनके किए गए दावे कितने पूरे किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि आज उत्तराखंड में महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पर है। इसी प्रश्न के जवाब में मैंने पूर्व में एक बात कही थी कि राजनीतिक यात्री हैं और अपनी राजनीतिक यात्रा के मकसद से सभी लोग उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। हमें एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होने के नाते मैं इस उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में, इस उत्तराखंड की मातृशक्ति के हित में और इस उत्तराखंड की बेहतरी की उम्मीद में मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अतीत में उन्होंने जो वादे किए थे कि वो अच्छे दिन लाएंगे इस प्रदेश में आज ये प्रदेश बेरोजगारी के मामले में निरंतर पायदान चढ़ते जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया अच्छा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। संविधान दिवस के मौके पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, कहा भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संविधान से मिली एक अलग पहचान। रुद्रपुर में सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा, जिला पंचायत अध्यक्षों को मिलेंगे राज्य मंत्री का दर्जा, ग्राम प्रधानों को मिलेगी 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड में फिर मंडरा रहा कोरोना का खतरा, कोरोना संक्रमित मिलने के बाद देहरादून में 2 क्षेत्रों को किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, लगाया गया लॉकडाउन। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तराखंड के बढ़ते कदम अब नए पायदान की ओर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से किया अपना वादा निभाया। 33,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को DBT के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 5 किश्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसमें COVID-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यरत प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को 5 माह तक हर माह 2,000 रुपए की अनुदान राशि देने का प्रावधान है। साथ ही हर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप 1,000 रुपए की रक्षा बंधन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार ने मानदेय में वृद्धि भी की है। हमने ये निर्णय किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1,800 रुपए उनके मानदेय को बढ़ाएंगे और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,500, जो सहायिकाएं हैं उनका भी 1,500 रुपए। हमारे आंगनवाड़ी को जो बीच बीच में जो प्रोत्साहन राशि देते रहते हैं, उन सभी के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें कोरोना काल में जो हमने कार्य किया उसके लिए जो 2,000 की प्रोत्साहन राशि दी है 5 माह तक, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी बहनों से किया अपना वादा निभाया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी है, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले एक दो होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल।